तो अभी तक जो हम लोगों ने बात की उसमें ये बात हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। भैया आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? परीक्षित भैया जी जी भैया एकदम क्लियर है जी, ठीक, और पीपीटी भी क्लियर आ रही है। स्वागत। बिल्कुल। तो अभी तक हम लोग इस बात को समझने का अपने में प्रयास कर रहे थे कि मानव में व्यवस्था कैसे बनी हुई है, और उसको समझते हुए हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया ये कि ये तो शरीर और मैं का कोएग्जिस्टेंस है मानव। तो उस दौरान जितने भी प्रश्न हुए और जितने भी रिफ्लेक्शंस आए या जितनी भी हमारी शेयरिंग रही, उससे एक बात ये निकल के आई कि हम सभी समझना चाहते हैं और समझने के आधार पर जीना चाहते हैं। तो समझने में मानव की व्यवस्था को समझा, अब फिर जो समस्याएं हम जिनको कह रहे हैं उन समस्याओं के मूल में देखने जाते हैं, तो हमने सुख के बारे में, समृद्धि के बारे में कुछ मान रखा है अपने अंदर। तो एक बार सुख को समझ पाते हैं, समृद्धि को समझ पाते हैं, अपने में व्यवस्था क्या है, हम व्यवस्थित कैसे हो सकते हैं, इस बात को समझ पाते हैं, तो जो हमारा एस्पिरेशन है निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने का, वो एस्पिरेशन पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम, इस सेशन के लिए हम लोग तय कर पा रहे हैं कि मानव में व्यवस्था कैसे बन सकती है ना, कैसे मानव व्यवस्थित हो सकता है, उस बात को समझेंगे। प्रोसेस अगेन वही होगा कि हमारे द्वारा कही गई किसी बात को मानना नहीं है, जांचना है अपनी सहस्वीकृति के आधार पर, जी के देखना है, जी के देखते हैं मानव के साथ उभय सुख हो पाता है, शेष प्रकृति के साथ उभय समृद्धि हो पाता है। तो मेरा जो प्रपोजल है ना, या जो भी प्रपोजल आप तक पहुंचा है, वो हमारे समझ का हिस्सा बन जाता है, हमारे जीने का हिस्सा बन जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की चर्चा हम लोग करते हैं कि आखिर मानव में व्यवस्था कैसे इंश्योर हो सकती है, मैं में व्यवस्था कैसे इंश्योर हो सकती है। तो इस बात को हम लोग कर रहे थे पिछले सेशन में कि मानव अगर कह रहे हैं तो मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, इस बात को कह रहे हैं। उसको समझने के लिए हम लोगों ने नीड को समझा, सेल्फ की नीड को और बॉडी की नीड को समझा, और ये पाया कि सेल्फ की जो नीड है वो तो कंटिन्यूअस है, बॉडी की नीड टेम्पररी। सेल्फ की जो नीड है वो क्वालिटेटिव है, बॉडी की नीड जो है वो क्वांटिटेटिव। इन नीड्स को पूरा करने के प्रोग्राम पर ध्यान दिया तो ये पता चला कि शरीर की हर एक आवश्यकता किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होती है। मैं की जो आवश्यकता है वो तो अपने में सही सही समझ के, सही भाव स्थापित करके पूरी होती है। क्रियाओं के माध्यम से इन दोनों ही इकाइयों को समझने का प्रयास किया तो पता चला कि शरीर की हर एक क्रिया सामयिक है, और मैं की हर एक क्रिया, इच्छा विचार आशा एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने लिया, वो निरंतर है। रिस्पॉन्सेस को भी देखा तो ये पाया कि शरीर का रिस्पॉन्स तो निश्चित है, पहचानना और निर्वाह करना, लेकिन मैं के रिस्पॉन्स को देखें तो चूंकि मैं में जानना और मानना भी बना हुआ है, तो अगर मेरा मानना मेरे जानने के आधार पर है तब तो एक तरह की निश्चितता दिखाई देती है, अन्यथा मानना हमारा बदल रहा होता है ना, उस आधार पर पहचानना और निर्वाह करना भी बदल रहा है। तो मैं में ये जो जानना और मानना दो अतिरिक्त रिस्पॉन्सेस हैं, उस आधार पर मैं को एक चैतन्य इकाई का है ना, और शरीर को चूंकि वो उसमें पहचानना और निर्वाह करना ही है तो उसे एक जड़ इकाई का। इतनी बात हम लोगों ने पिछले सेशन में की थी। अब यहाँ से हम आगे ये समझने का प्रयास करेंगे कि सेल्फ में व्यवस्था कैसे हो सकती है। तो अगर हम देखें तो ये दिखता है कि मानव, मैं और शरीर, ये दोनों ही इकाइयों के सहअस्तित्व में है, और इन दोनों के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। तो जैसे अभी ब्रेक हुआ तो उस ब्रेक में हमको प्यास लगी, ऐसा शरीर के सेंसेस के माध्यम से इंफॉर्मेशन मैं तक पहुंचाई गई, और उसको पूरा करने के लिए मैंने अपने आधार पर एक निर्णय लिया और उसको इंफॉर्मेशन के माध्यम से शरीर तक पहुंचाया कि चाय लेना है, कॉफी लेना है या पानी पीना है। तो देखेंगे तो दोनों ही इकाइयों के बीच एक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन इंफॉर्मेशन में निर्णय कौन ले रहा है,
तो ये दिखता है कि शरीर ने एक इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई मैं को कि कुछ शरीर के पोषण के लिए लेना है ना। तो मैं क्या लेगा उसमें, चाय लेगा, कॉफी लेगा, पानी लेगा, ये मैं का निर्णय। तो हमने मैं में जैसा स्वीकारा हुआ है वैसा निर्णय हम शरीर को उपलब्ध कराते हैं। एक बात तो ये, साथ साथ इसको भी देखें कि जब हम अपने मैं के अंदर है ना, अपने मैं में इस बात को ऑब्जर्व करें तो ये दिखता है कि तीन एबिलिटीज हैं, है ना। सेल्फ में डिजायर करने की एबिलिटी है, इच्छा कर सकता है वो, विचार करने की एबिलिटी है और आशा करने की एबिलिटी है। तो ये शक्ति के तौर पर है ना, शक्ति मतलब एनर्जी उसके शक्ति के तौर पर बना हुआ है। हमें ये एबिलिटी है कि हम डिजायर कर सकते हैं, थॉट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन को यहाँ इमेजिनेशन कहा गया। तो हम अपने सेल्फ में ऑब्जर्व करके देखें है ना, सेल्फ में ऑब्जर्व करें कि हमारे इमेजिनेशन में ये एबिलिटी इच्छा विचार आशा के तौर पर है या नहीं है। एक बात तो ये अपने को करना है और रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ हम एक रिफ्लेक्शन ले सकते हैं और उसमें अपने में देख सकते हैं कि क्या ये इमेजिनेशन चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ एक आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इस क्षण आप में इमेजिनेशन चल रही है या नहीं चल रही है, और पोल का रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ कल्पना इस समय कर ही रहे हैं, है ना। तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या लगता है कि आप में कल्पना चल रही है, कल्पनाशीलता चल रही है या नहीं चल रही है। साथ साथ ये जो कल्पनाशीलता है ये कुछ समय चल रही है या हर क्षण चल रही है। तो दूसरे प्रश्न को भी हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कल्पनाशीलता चल रही है ये बात आप कह पा रहे हैं, है ना। और करीब करीब 100% लोग मैं देख पा रहा हूं कि इस बात को कह पा रहे हैं कि अपने में कल्पनाशीलता चल रही है, अच्छी बात है। दूसरे प्रश्न को रिफ्लेक्ट करें और ध्यान दें कि क्या ये हर क्षण हर पल चल पा रही है, क्या लगता है ये कल्पनाशीलता हमेशा चल रही है या कभी कभी चल रही है। तो जैसा आपके रिफ्लेक्शन में दिख रहा है कि 3/4 लोग इस बात को कह रहे हैं कि हर क्षण चल रही है। तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि कल्पनाशीलता कभी कभी चल रही है ना, वो जरा इस बात को अपने में देखने का प्रयास करें कि जब हम ये कह रहे हैं कि कल्पनाशीलता नहीं चल रही है तो उस समय चल क्या रहा है फिर। तो एक प्रश्न भैया ले लेते हैं यहाँ पे कि उन लोगों का जो ये कह रहे हैं अपने में ये देख पा रहे हैं कि कभी कभी चल रही है, तो अगर किसी का ऐसा प्रश्न है कभी कभी कल्पनाशीलता चलती है ऐसा दिखता है तो हम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, है ना, हैंड रेज कर सकते हैं। तो उसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है जी यानी कि अगर ऐसा मती है या कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि अपना कुछ समय चलती है हमेशा नहीं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको इधर माइक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। जी आरुक भैया अभी तो कोई हैंड रेज नहीं दिखता मुझे। जी तो देखें अगर उसको ऑब्जर्व करें तो ये दिखता है कि कल्पनाशीलता तो हर समय चल रही है, बात उसमें इतनी है कि हम कितने क्षण उसके प्रति ऑब्जर्वेंट बने हुए हैं, है ना, हम कितने क्षण अपनी कल्पनाशीलता को देख पा रहे हैं। तो जैसे उसमें एक कभी कभी अपने में ये डाउट आता है कि आखिर जब मैं सो रहा होता हूँ तो कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम इसको ऑब्जर्व करें कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस क्षण भी हमें सम्मान चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है। तो हम सोने जा रहे हैं। जी हेलो भैया जी, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष जी पे माइक है, मनीष कुमार सोनी जी नमस्ते, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात। नमस्ते सर जी, सर अभी जो प्रश्न आया था कि क्या हमारी कल्पनाशीलता हर समय एक्टिव रहती है, तो मैं जो समझ पाया हूँ मेरी कल्पनाशीलता हर समय एक्टिव नहीं रहती है। जब मैं चीजों को बहुत अच्छे से सुनता हूँ और समझता हूँ
तभी मेरी कल्पनाशीलता बढ़ती है, और बाकी समय पर मैं शायद ठीक से सुनता नहीं हूँ, इसलिए कल्पनाशीलता मेरी काम नहीं करती समय। तो भैया जहां तक मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ, आपका कहना यह है कि जब हम कोई इनपुट अपने में रिसीव करते हैं तब तो कल्पनाशीलता चलती है, जब हम कोई इनपुट नहीं रिसीव कर रहे होते हैं, अपने आप में अकेले बैठे हुए होते हैं, तो कल्पनाशीलता नहीं चलती है, ऐसा? बिल्कुल एग्जैक्टली जी। तो ये बात हम अपने में ऑब्जर्व करके देखें कि हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए कमरे में रख लें और देखें कि उस क्षण अपने में सम्मान की इच्छा बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, या हम अपने पांव को एक स्थान पर बना के बैठे हुए हैं, थोड़ी देर हम बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद जो हम पांव का पॉस्चर भी चेंज करते हैं, वो बिना निर्णय के चेंज करते हैं क्या? बिना किसी इमेजिनेशन में कुछ चलाए हुए ही चेंज करते हैं क्या? तो इसको जरा ऑब्जर्व करें मनीष सर, कि बात उसमें ये है कि चल नहीं रही है कल्पनाशीलता, या हम उसके प्रति ऑब्जर्वेंट नहीं है? हम उसके प्रति ऑब्जर्वेंट नहीं है सर। जी जी, ये बात मुझे अब क्लियर हो गई। ठीक बात, अच्छी बात है। तो जैसा कि मैं पोल देख पा रहा हूँ, तो हम में से करीब करीब 74% लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कल्पनाशीलता है ये हर क्षण हर पल नहीं चल रही है, कभी कभी चल रही है। तो अच्छी बात है, हम अपने में इस बात को ऑब्जर्व करें, है ना, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा रुक के देखें, है ना। तब तक एक प्रश्न मैं और ले लेता हूँ भैया। निधि मैम है, निधि दीदी नमस्ते। नमस्ते सर। सर थोड़ा सा मेरा अलग सोचना है मनीष सर की जगह से। तो मुझे ये लगता है सर कि जब भी कोई हमारे मस्तिष्क में विचार आता है, वही हमारी कल्पना होती है और वहीं से हम एक्टिवेट होते हैं। लाइक मुझे आज का सत्र अटेंड करना था सर, तो मैं सुबह 5 बजे से यही पूरा एक इमेजिनेशन कर रही थी कि किस तरीके से मैं अपने कामों को करके फ्री होके और फिर मैं आज के सत्र में बैठूंगी। तो आपका विचार ही आपकी कल्पना होती है, मुझे सर ऐसा लगता है। थैंक यू सर। ठीक बात है। तो जैसा मैम कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हमारी कल्पनाशीलता में विचार तो चल ही रहा होता है और वो हमेशा चल रहा होता है ना। तो अच्छी बात है। एक बात उसमें मुझे बस ऐड करनी है कि उस विचार के पीछे कोई इच्छा भी होती है ना। तो वो हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, बात उसमें इतनी है। कई बार हमें सिर्फ विचार दिख रहा होता है ना कल्पनाशीलता में, कि ऐसा कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, वहां चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा होती है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, कि इच्छा हम उसे कह रहे हैं कि मैं कुछ होना चाहता हूँ, है ना। तो जैसे मैं मकान बनाना चाहता हूँ, है ना, मेरा अपना मकान हो, ऐसी मेरी इच्छा है। विचार ये है कि उस मकान को मैं कैसे बनाऊंगा, है ना, मैं किस सोसाइटी में लूंगा, 2 BHK लूंगा, 3 BHK लूंगा, किस फ्लोर पे लूंगा, किस बिल्डर का होगा, है ना, पूल फेसिंग होगा कि पार्क फेसिंग होगा, ये जो सारी बातें हैं इच्छा को पूरा करने के लिए, वो विचार है। साथ साथ बाहर कुछ हो जाए, है ना, है ना, कि वो मकान वाला मैं हो जाऊं, है ना, मकान मेरा अपना हो जाए, है ना, वो आशा है। तो मैं कुछ होना चाहता हूं और बाहर कुछ हो जाए, है ना, इन दोनों में अंतर है। तो इच्छा उसे कह रहे हैं कि जो मैं होना चाहता हूं, अपने में होना चाहता हूं, एक्सपेक्टेशन वो है कि बाहर कुछ घट जाए, घर बन जाए, है ना, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जैसे मैं सुखी होना चाहता हूं तो ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं घर बना के सुखी होऊंगा, घूम के सुखी होऊंगा, है ना, या दूसरे व्यक्ति से भाव पाके सुखी होऊंगा, ये आशा है। तो अगर इस बात को समराइज करें तो ये दिखता है कि हर एक विचार के पीछे कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा को पूरा करने के लिए हम विचार में बहुत सारा फैलाव करते हैं, उसमें एनालाइज करते हैं कि ये वाला बिल्डर इस सोसाइटी में इस फ्लोर पर इतने BHK का पूल फेसिंग मुझे लेना है। ऐसा सेलेक्ट कर मैं पाता हूं तो अपने में आशा को पूरा होता हुआ देखता हूं, है ना। तो देखने वाली बात यह है कि ये जो इमेजिनेशन है जिसमें
इच्छा विचार और आशा ये निरंतरता में चल रहे हैं, है ना, ये बात अगर मैं देख पाता हूँ तो उसके साथ साथ एक बात और अपने में रिफ्लेक्ट करने की है कि जो मेरा दिन प्रतिदिन हर क्षण हर पल का व्यवहार है या कार्य है वो किस पर निर्भर करता है। तो ये दिखता है कि मेरा हर एक व्यवहार, मेरा हर एक कार्य तो इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी कल्पनाशीलता में चल क्या रहा है। तो अगर मेरी कल्पनाशीलता में संबंध का भाव चल रहा है तो जब भी मैं दूसरे मानव के साथ व्यवहार करता हूं तो मैं सुखी होता हूं और वो भी सुखी होता है। लेकिन अगर इसी कल्पनाशीलता में अगर मेरे विरोध चल रहा है, इच्छाओं में द्वंद्व चल रहा है ना, तो जो मेरा व्यवहार है उस व्यवहार से दूसरा भी दुखी होता है। लेकिन उससे पहले चूंकि वो मेरी कल्पनाशीलता में चल रहा होता है तो उस अंतर द्वंद्व का दुख तो सबसे पहले मैं भोग रहा होता हूं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हुए शाम में हम अगर 5-6 बजे है ना निकले और ऑफिस में आज किसी बात को लेकर कोई संघर्ष हो गया, कोई झगड़ा हो गया और हम घर पहुंचते हैं और रिंग करते हैं और एक्सपेक्टेड समय में अगर माता जी ने या पत्नी ने या बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला तो हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार है ना एक तरह से निकल के आता है। तो हम गुस्से में कुछ चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये जो चीखना चिल्लाना है वो किस वजह से हो रहा है, दूसरे व्यक्ति ने दरवाजा लेट खोला इस वजह से हो रहा है या मेरी कल्पनाशीलता में कुछ द्वंद्व चल रहा था, कुछ विरोध चल रहा था, है ना। तो दिखता है कि कल्पनाशीलता में जैसा चल रहा है मेरे व्यवहार, मेरा व्यवहार तो मेरी कल्पनाशीलता का रिफ्लेक्शन है ना। तो मैंने कुछ उल्टा सीधा कहा और पत्नी या माता जी या बेटी बेटा वो किचन में गए हमारे लिए पानी लाने के लिए और आपस में बड़बड़ाने लगते हैं, है ना, ये रोज शाम का यही है, आते हैं और ऑफिस का गुस्सा हम लोगों पर निकालते हैं। अब ये दिखने में आता है कि हमने अपने व्यवहार से किसी की कल्पनाशीलता में कुछ इनपुट दिया। अगर अगला व्यक्ति भी अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान केंद्रित नहीं रखता है ना, ऑब्जर्वेंट नहीं बना रहता तो वो हमारे द्वारा किए गए व्यवहार से आहत भी होता है और साथ साथ उसके आउटकम पर है ना, आउटकम के तौर पर वो हमारे साथ भी कुछ दुर्व्यवहार कर ही सकता है ना, करता ही है। तो कोर बात तो ये है कि हमारा हर एक व्यवहार, हर एक कार्य के पीछे हमारी इमेजिनेशन है ना। तो ये इस बात से अगर हम सहमत हैं कि हमारे हर एक व्यवहार, हर एक कार्य के पीछे तो कोई इमेजिनेशन है तो हम चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हैं। अगर सहमत हैं तो यस लिख सकते हैं, असहमत हैं तो नो लिख सकते हैं। क्या लगता है कि हमारा हर एक व्यवहार, हर एक कार्य हमारे इमेजिनेशन में क्या चल रहा है इस बात से तय होता है, हमारे इच्छा में, हमारे विचार में, हमारी आशा में क्या चल रहा है वो हमारे व्यवहार और कार्य को तय करता है। तो अच्छी बात है कि हम में से सभी लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि मेरा व्यवहार, मेरा कार्य तो इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी इच्छा में क्या चल रहा है, मेरे विचार में क्या चल रहा है, मेरी आशा में क्या चल रहा है। अच्छी बात, अच्छी बात है। आगे चलते हैं तो ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो इमेजिनेशन है इसका कंटेंट क्या है। तो मेरी इच्छा, मेरा विचार, मेरी आशा है ना, ये तो एक बात है। कंटेंट के तौर पे देखते हैं तो ये दिखता है कि एक सोर्स है ना, एक कंटेंट तो ये हो सकता है कि मेरी जो इमेजिनेशन है वो किसी मान्यता से चल रही हो, किसी प्रीकंडीशनिंग से चल रही हो। तो मान्यता उसे कह रहे हैं कि कोई बाहर से इनपुट मिल रहा है और उसको बिना जांचे परखे हमने अपनी इमेजिनेशन का हिस्सा बना लिया है ना, तो हमने मान लिया सीधे सीधे बिना जाने उसे मान लिया। अगर उस आधार पर हम अपनी इमेजिनेशन को चलाते हैं तो जब हम व्यवहार करने जाते हैं तो हमको ये लगता है कि परिवार में पत्नी के साथ तो ऐसे ही चलेगा, माता जी के साथ तो ऐसे चलेगा, बच्चों को जब तक डांटेंगे फटकारेंगे नहीं वो ठीक ठीक रहेंगे नहीं। अब क्या है, ये वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि एक तरीके का दबाव, एक तरीके का प्रभाव बच्चों पर डालते हैं तो बच्चे थोड़े संयत रहते हैं। ऐसा मान लिया है ना, ऐसा मान लिया है कि बच्चों को तो स्नेह चाहिए है ना और बड़ों को सम्मान चाहिए,
और ऐसा करते करते जब बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो एक क्षण वो वही बच्चे द्रोही हो जाते हैं, क्योंकि सम्मान तो उन्हें भी चाहिए। ये बात हम अपने में तय कर सकते हैं कि सम्मान तो हर एक मानव को चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसको हम लोग कल के सत्र में देखेंगे भी। तो बात यह है कि मान्यता जो है वो तो सीधे सीधे मान लेने के आधार पर अगर इमेजिनेशन को चला रहे तो एक तरह से चलता है। दूसरा सोर्स ये हो सकता है, कंटेंट ये हो सकता है कि कोई चीज है ना, हमने शरीर की जो सेंसेस हैं, जो संवेदनाओं के अंग हैं, उनसे मिलने वाले इनपुट के आधार पर मैंने अपने इमेजिनेशन में कुछ तय कर लिया। तो जैसे हम मार्केट निकले और हमारे मनपसंद सुगंध का समोसा कहीं आपस में छनता हुआ, बगल में सनता हुआ दिखाई दे गया, स्मेल आ गई, उस आधार पर मैंने तय कर लिया कि चलो खाके चलते हैं। अब क्या है कि भूख नहीं भी लगी थी लेकिन वो सेंसेस ने एक इंफॉर्मेशन भेजी और हमने उसको अपनी इच्छा में तब्दील कर लिया कि खा लेते हैं। एक तीसरा सोर्स ये हो सकता है कि मेरी सह स्वीकृति के आधार पर मैं जांच लूं, है ना, मेरी सह स्वीकृति का भी एक इनपुट हो सकता है मेरी इमेजिनेशन में। तो इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मैं कार मैंने खरीदी, है ना, मुझे किसी ने कहा कि देखो ये वर्षों से तुम स्कूटर पे चल रहे हो, है ना, और भाभी जी के साथ टंग के चले आते हो दोनों लोग, ये ठीक नहीं है। अब प्रमोशन हो गया, कार ले लो। हमने अपने उसको इमेजिनेशन में चलाया और लगा कि ये बात ठीक है और हमने कार ले ली और कुछ दिन कार चलाई। फिर हमारे एक पुराने कभी मित्र आए, बोले कहाँ तुम अभी अटके हुए हो इसी, है ना, छोटी सी कार में, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, इसको छोड़ो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, है ना। अब इसको अगर हमने अपने इमेजिनेशन में चलाया तो लगा नहीं नहीं ये बात तो ठीक ही है, है ना, थोड़ी और मतलब बड़े स्पेस की गाड़ी लेनी चाहिए। ये एक तरीके का इनपुट है। उसी में देखें कि अगर हम उस गाड़ी से जा रहे हैं और कहीं किसी सिग्नल पे रुके और मेरे बगल में कोई चमकती हुई कार आके खड़ी हो गई, तो बेसिकली क्या है कि आंखों के माध्यम से, है ना, सेंसेस के माध्यम से वो जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है, है ना, या जब वो सिग्नल हरा हुआ और वो बड़ी स्पीड से निकली मेरे आगे से, तो जो उसका स्पीड है ना, वो हमें प्रभावित कर गया। हमारे इमेजिनेशन में बात जम गई कि नहीं नहीं ये कब तक चलाऊंगा मैं, गाड़ी तो ऐसी ही होनी चाहिए। अब ये क्या है कि संवेदना से प्रभावित होके हमने अपनी इमेजिनेशन में ये चला लिया कि गाड़ी तो ऐसी ही होनी चाहिए। तीसरा एक इनपुट ये हो सकता है कि मैं अपने आप में ये देख सकूं कि गाड़ी का पर्पज तो ये है कि मैं और मेरा परिवार, है ना, कंफर्टेबली एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय पर पहुंच सके, है ना, हमारे शरीर का सदुपयोग हो सके, ऊर्जा हमारी वेस्ट ना हो। इसकी पूर्ति के लिए मुझे एक गाड़ी खरीदनी है जिसमें परिवार के सभी सदस्य जा सके। अब ये क्या है, ये एक इनपुट है सह स्वीकृति के आधार पर, है ना। तो ये तीन तरह के इनपुट या तीन तरह के कंटेंट हमारी इमेजिनेशन में चलते हुए दिखते हैं। तो हम इस बात को भी देख सकते हैं कि जब भी हमारी इमेजिनेशन का कंटेंट प्री कंडीशनिंग पर बेसिस होता है, मान्यता पर आधारित होता है, तो हम परतंत्र अपने में महसूस करते हैं। बिकॉज ये गाड़ी की आवश्यकता मेरे मित्र तय कर रहे हैं, मेरे कलीग्स तय कर रहे हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो तय कर रहे हैं, या मेरे परिवार में जो पत्नी है बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पुरानी हो चुकी है, जबकि अभी वो 2 ही साल पुरानी है, इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है ना। तो जैसे मेरे एक मित्र शेयर करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया, जिस स्कूल में एडमिशन कराया वहाँ सारे पेरेंट्स, है ना, सब लग्जरी गाड़ी से आते थे, ये अपनी एक इनके पास वैगनार थी उससे पहुँचते थे। तो कुछ वर्षों तक तो बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक समय के बाद बच्चे ने कहा कि पापा ये गाड़ी ठीक नहीं है, इस गाड़ी को बदल देना ही ठीक। अब अगर हम बच्चे को सही सही प्रस्ताव उस समय नहीं दे पाते तो हम अपने में भी परतंत्र महसूस करते हैं और बच्चे को भी एक तरीके से परतंत्रता के लिए आगे के लिए तैयार करते हैं, है ना। तो अभी तो वो जांच परख रहा है, है ना, अगर वो जांचने परखने का काम ठीक ठीक एक्टिवेट नहीं कर पाते तो फिर हम भी परतंत्र हो
होते हुए दिखते हैं और बच्चे भी, अगली पीढ़ी भी प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। यही अगर सेंसेशन को देखें तो सेंसेशन से अगर मेरी कल्पनाशीलता प्रभावित होती है और उससे मैं चलता हूं, तो चूंकि वो भी बाहर से आने वाला इनपुट है तो वो भी हमें प्रतीत करता हुआ ही दिखता है। लेकिन हम सभी नेचुरली चाहते क्या है, तो दिखता है कि हम में से कोई प्रतंत्र नहीं होना चाहता, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्रता के लिए इमेजिनेशन का कंटेंट अगर सहज स्वीकृति के आधार पर चलता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो पाता है ना हमारा इमेजिनेशन, तो हम स्वतंत्र हो पाते हैं, है ना। तो अगर हम उसी बच्चे से इस सवाल को कर पाते कि बेटा ये जो गाड़ी है ये इसका पर्पस क्या है, वो मुझे भी क्लियर हो और बच्चे तक भी हम उसको पहुंचा पाए, तो मैं भी अपने में स्वतंत्र हो सकता हूँ सहज प्रकृति के आधार पर, और वो भी जांच परख करके स्वतंत्र हो ही सकता है ना। तो यहाँ एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं भैया, और रिफ्लेक्शन के साथ साथ हम में से जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग ले सकते हैं। तो मनीष शर्मा जी हैं, रिफ्लेक्शन के बाद आप अपनी बात को रख सकते हैं भैया। तो जैसे कि रिफ्लेक्शन में इस बात को ध्यान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, आपसे जानने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं यह देखने से सहमत हूँ कि अगर मेरी कल्पना मान्यता और संवेदना पर आधारित है तो मैं परतंत्र हूँ। क्या ये बात हमें स्पष्ट हो पा रही है कि मेरी कल्पनाशीलता अगर मान्यता से चल रही है, संवेदना से चल रही है, तो हम परतंत्रता पूर्वक मेरा व्यवहार और कार्य होता है। तो अच्छी बात है, हम में से 11% लोग असहमत भी हैं, तो जो लोग असहमत हैं मैं जानना चाहूँगा थोड़ा हम लोग लाइंस को ओपन करके, है ना, बात को रख भी सकते हैं। क्या लगता है जी भैया? मनीष शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सपना झा जी, आप दोनों के पास माइक है, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। स्वागत है, और भी कोई साथी अपनी बात करना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी भारती जी हैंड रेज हुआ है। जी बात करना, नमस्ते। हेलो जी, जी भारती मैम नमस्ते, स्वागत है, अपनी बात करना। हाँ जी सर नमस्ते। सर मैं ये कहना चाह रही थी, सर इच्छा और कल्पनाओं के बारे में बता रहे, अच्छा बताया सर ने, बहुत अच्छा बताया। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी इच्छाएं और कल्पनाएं शायद हमारे बस में भी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। कई बार मेरी इच्छा होती है कि मैं ये काम करूं, मैं उसके लिए बहुत सारी कल्पनाएं भी कर लेती हूँ अपने दिमाग में। सडनली कोई, चाहे मेरे हस्बैंड या फादर इन लॉ, कोई भी आके मेरी सारी इच्छाओं और कल्पनाओं पर पानी भी फेर दिया जाता है, तो वहां मेरा मन भी कई बार दुखी हो जाता है। तो जी मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपका माइक म्यूट हो गया, म्यूट करना होगा आपको। जी जी अपनी बात रखते हैं, स्वागत है। क्या तेरा फोन नहीं लगता? जी जी भारती मैम आपकी आवाज आ पा रही है, अपनी बात रखते हैं। जी जी कब तक पहुंचेगी? ठीक है, तो कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है बातें होता है, तब तक हमारे साथ डॉक्टर आरबी पटेल जी हैं। मैम के क्वेश्चन को भैया संक्षिप्त में आंसर कर लेते हैं, फिर अगर मैम आएंगे तो दोबारा। मैम के क्वेश्चन में मुझे ये बात कहनी है कि कल्पनाशीलता जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इच्छा विचार आशा जो मेरे, है ना, जो मैं में चल ही रही है निरंतर तौर पे, उसके समेशन को कह रहे हैं, मतलब उसको कंबाइनली एक नाम दे रहे हैं कल्पनाशीलता का। तो कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है? इच्छा चल रही है, विचार चल रहा है और आशा चल रही है, इस बात को कह रहे हैं। फिर जो दूसरा पक्ष था मैम के प्रश्न का कि हमारी इच्छाएं कई बार, है ना, वो कोई दूसरा बिखेर देता है, वो पूरी नहीं हो पाती,
तो पूरा होना एक पक्ष है, मेरे में इच्छा चल रही है नहीं चल रही है पहली बात, विचार उससे संबंधित चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, आशा चल रही है नहीं चल रही है, इस बात के प्रति हम ऑब्जर्वेंट हैं क्या, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि उन इच्छाओं का सोर्स क्या है। तो अगर मेरी इच्छाएं किसी मान्यता से गवर्न हो रही हैं, किसी संवेदना से गवर्न हो रही है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि घर में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं अगर वो भी किसी मान्यता और संवेदना से ड्राइव हो रहे हैं तो एक क्लैश बनता है कि मेरी मान्यताएं आपकी मान्यता से टकरा रही हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि एक दूसरे की जो प्रोग्राम है उनको मतलब कैंसिल आउट करें, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन जो बना हुआ है ना, तीसरा इनपुट जो हमारी इमेजिनेशन में बना ही हुआ है वह है सहस्वीकृति का। तो मैं अपनी इच्छाओं को देखूं कि वो कौन सी इच्छा है जो मुझे सहज रखती है ना, जिसके साथ मैं बने ही रहना चाहता हूं, जिसके साथ कोई द्वंद नहीं है अपने में, और ऐसा मैं देख पाता हूं कि दूसरे के साथ भी सहज स्वीकृति अगर वो भी देख पाता है तो उसमें भी द्वंद नहीं। तो इसको हम लोग अपने में थोड़ा सा देखें। कई बार क्या होता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी मान्यता या संवेदना से ड्राइव हो रही होती है, और मेन टकराहट जो है वो इसी बात को लेकर कि मेरी मान्यता आपकी मान्यता से अलग हो ही सकती है, लेकिन सहज स्वीकृति मेरी आपकी और आपके परिवार की एक जैसी ही है, इसको भी हम लोग जरा जांचें परखें। तो मैम के बारे प्रश्न के बारे में मुझे इतना ही कहना था। हाँ, अगला प्रश्न लेते हैं भैया। जी भैया, डॉक्टर आरसी पटेल जी हैं। हरि पटेल जी नमस्ते, स्वागत है आपका। माइक पर ना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं आप? जी, भारती साक्या मैम भी हैं। बताइए। जी ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से या तो सर लोगों का प्रश्न उत्तरित हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पोल को देखते हैं तो ये दिखता है कि आप में से है ना करीब करीब 84-85% 73-83% लोग है ना इस बात से सहमत है। अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो सहमत हैं ना असहमत हैं, तो उनकी भी मैं राय जानना चाहूँगा। करीब करीब 10% लोग हैं जो इस बात से ना तो सहमत हैं ना असहमत हैं, तो उनमें से कोई भी है ना, करीब करीब 8-10 लोग ऐसे होंगे। ठीक बात, ठीक है, तो हम में से अगर कोई इस बात से असहमत है ना कि ये बात ठीक नहीं, तो एक बार मैं फिर से बात को रख देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। हम लोग इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इमेजिनेशन मेरे में चल रही है, निरंतर चल रही है, तो हमारा इमेजिनेशन ही हमारे व्यवहार और कार्य को तय कर रहा है, उस बात को हम लोग अपने में देखें। साथ साथ इस बात को कह रहे हैं कि इमेजिनेशन का जो कंटेंट है उसके तीन सोर्सेस हैं। एक सोर्स तो मान्यता का है, एक सोर्स संवेदना का है, और एक सहज स्वीकृति का सोर्स है जो कि बना ही हुआ है। जब भी हमारा इमेजिनेशन किसी मान्यता या संवेदना से प्रभावित होके है ना या उसके दबाव में आता है और व्यवहार और कार्य करने जाता है तो एक तरह की परतंत्रता दिखती है। हम अपने आप में परतंत्र महसूस करते हैं। हम में से कोई भी परतंत्र तो नहीं होना चाहता, नेचुरली उसे एक्सेप्टेबल नहीं है ना। क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है? हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्र होने के लिए हमारी कल्पनाशीलता का सहज स्वीकृति के आधार पर चलना ये एक आवश्यकता दिखती है। तो अभी ये बात की जा रही है कि क्या हम अपने में ये देख पा रहे हैं कि ये तीन सोर्सेज हैं, उनमें से दो सोर्सेज जो हैं मान्यता और संवेदना के, वो तो हमारे अपने को परतंत्र ही बना रहे हैं। इस बात को
कह रहे हैं, है ना, अच्छी बात है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात को देख पा रहे हैं। यहां से अगर कल्पनाशीलता को और अच्छे से, है ना, देखने का, समझने का, है ना, प्रयास करें तो ये दिखता है कि अगर हमारी कल्पनाशीलता, है ना, सहज स्वीकृति के आधार पर चलती है तो कैसा दिखता है। ये दिखता है कि अगर मेरी कल्पनाशीलता सहज स्वीकृति के आधार पर चल रही है तो मेरी एक इच्छा तो यह है कि मैं अपने में व्यवस्था को समझना चाहता हूँ, हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग को समझना चाहता हूँ। दूसरी इच्छा ये हो सकती है कि मैं अपने में परिवार की व्यवस्था कैसे बनेगी, बनती है, उसको भी समझना चाहूँगा। साथ साथ ये भी समझना चाहूँगा कि समाज में को कैसे व्यवस्थित किया जाए, समाज की व्यवस्था क्या होगी, उसको भी समझना चाहता हूँ। अगर इन तीनों ही इच्छाओं को हम देखें तो ये आपस में संगीत में बिना किसी द्वंद के, तो मैं स्वयं व्यवस्थित रहना चाहता हूँ, अच्छी बात, लेकिन मैं अगर परिवार में भी व्यवस्थित रहना चाहता हूँ तो मेरे अपने व्यवस्थित रहने में और परिवार के व्यवस्थित रहने में कोई द्वंद नहीं है, ना, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, दोनों लय में दिखाई देते हैं, दोनों हार्मनी में दिखाई देते हैं। ऐसे ही समाज की व्यवस्था को मैं समझना चाहता हूँ, ऐसा दिखता है, तो ये तीनों लय में दिखते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि इच्छाएं अगर सहज स्वीकृति के आधार पर है, उनका सोर्स अगर सहज स्वीकृति है, तो उन इच्छाओं के बीच में, है ना, डिजायर्स और सब डिजायर्स के बीच में कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता, उनमें आपस में एक लय होता है, एक हार्मनी होती है, एक तारतम्यता होती है, एक इच्छा दूसरी इच्छा के विरोध में नहीं खड़ी होती। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा कि मैं अपने साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, अपने परिवार में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, है ना, भावपूर्वक रहना चाहता हूँ। अब ये दोनों इच्छा में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है ना, मैं अपने में व्यवस्थित रहता हूँ, साथ साथ दूसरे के साथ व्यवस्थित जीने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही मैं कलीग्स के साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, तो इसमें कोई द्वंद नहीं है, इसमें आपस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है ना। तो मैं सुखी होना चाहता हूँ, समृद्ध होना चाहता हूँ, ये एक मेरी इच्छा है, साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, उसकी निरंतरता हो जाए, तो इन दोनों के बीच कोई द्वंद नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच द्वंद कब आता है, जब ये इच्छा सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं होती। मेरा सुख अगर बच्चे के सुख से अलग हो जाता है तब यहाँ एक द्वंद बनता है कि मैं तो 18 डिग्री के एसी पे सोना चाहता हूँ, है ना, है ना, मैं 18 डिग्री के एसी पे सोना चाहता हूँ, और बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं पापा हमें ठंडी लग रही है। या उल्टा भी हो सकता है कि बच्चा ये कह रहा है कि पापा 18 डिग्री पे लगाओ एसी को, और हमें लग रहा है कि नहीं नहीं ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, जुकाम हो जाएगा, 25 डिग्री ही ठीक है। इन दोनों के बीच, है ना, ये द्वंद क्यों है, बिकॉज जो इच्छा है वो इच्छा सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं। यही इच्छा अगर सहज स्वीकृति के आधार पर हो कि हम भी अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर में उसको रखना चाहते हैं, मेरा बच्चा भी अपने शरीर को, मेरे शरीर को एक नॉर्मल टेम्परेचर में बनाए रखना चाहता है, तो इन दोनों ही इच्छाओं के बीच कोई द्वंद नहीं है, है ना। और ऐसा अगर हम देख पाते हैं तो ये दिखता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब भी हम विचार चलाते हैं तो उन विचारों के बीच में भी आपस में कोई द्वंद नहीं होता। तो मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुख कैसे इंश्योर होगा, निरंतर सुख कैसे इंश्योर होगा, इसको लेकर जब भी मैं विचार चलाता हूँ तो मेरे अपने में कोई द्वंद नहीं आता। मेरे अपने में वो द्वंद तब आता है जब सहज स्वीकृति अपने को ठीक ठीक दिख नहीं पा रही है, ये इच्छा सहज स्वीकृति पर है ही नहीं। अगर ऐसा है, सुख के बारे में हमने कुछ मान रखा है, समृद्धि के बारे में हमने कुछ मान रखा है, मान्यता से वो इच्छा ड्राइव हो रही है, तब जब विचार चलाते हैं तो उस विचारों के बीच में भी कंट्राडिक्शन है ना। और एक इच्छा को पूरा करने के लिए जो विचार चलता है उनके आपस में तो कंट्राडिक्शन दिखता ही है, दूसरी इच्छा को पूरा करने के लिए जो विचार चलता है उनमें और पहली इच्छा के विचार में भी द्वंद दिखता है।
तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि सहज स्वीकृति के आधार पर इच्छा को अगर हम देख पाते हैं तो उससे संबंधित जो भी विचार चलता है वो अपने आप में हार्मनी में, व्यवस्था में, लय में है, कोई द्वंद नहीं है आपस में, है ना। ऐसा नहीं लगता कि एक विचार को ड्रॉप करेंगे तो दूसरे विचार पर, है ना, उसका असर आएगा, या एक को ज्यादा चलाएंगे तो दूसरा, है ना, बाधित करेगा, ऐसा नहीं दिखता। अच्छी बात। तो फिर जहां से जब आगे देखते हैं तो आशा में भी आपस में कोई द्वंद नहीं दिखता। विचार तो पूरा करने के लिए जो चला रहे हैं, आशा भी हार्मनी में दिखती है ना। मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी होने के लिए मैं प्रयास करता हूँ विचार के स्तर पर, है ना, और आशा के स्तर पर जब मैं सुखी हो जाता हूँ तो उसमें कोई द्वंद नहीं है ना। मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मेरा बच्चा भी स्वस्थ होना चाहता है, आशा के लेवल पर कोई द्वंद नहीं। लेकिन अगर यही जो इच्छा है वो सहज स्वीकृति के आधार पर ना होकर किसी मान्यता या संवेदना के आधार पर है तो मेरी एक इच्छा दूसरी इच्छा के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तो जैसे इसी की वर्कशॉप चल रही थी बांदा में बहुत पहले, तो वहाँ एक संस्कृत के टीचर आए हुए थे, तो उनसे जब ये सारी बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि देखिए सर, मेरी इच्छा तो ये है कि जीते जी अपार संपदा, मरने के बाद मोक्ष, तो मेरी अपनी इच्छा तो ये है। तो देखेंगे तो जीते जी अपार संपदा, है ना, मरने के बाद मोक्ष, ये इच्छा सहज स्वीकृति से आ रही है या किसी मान्यता से आ रही है। तो दिखता है कि कहीं हमने, है ना, कुछ पढ़ लिया है, है ना, और उसको हमने सीधे सीधे बिना जांचे परखे मान लिया है और अपने इच्छा को, है ना, बोल दिया कि ये मेरी इच्छा है। तो इसमें देखते हैं तो जीते जी अपार संपदा, ये अगर इच्छा नंबर वन हो जाए, और मरने के बाद मोक्ष, ये इच्छा नंबर टू अगर देखा जाए, तो देखेंगे तो जब भी हम जीते जी अपार संपदा के लिए प्रयास करने जाएंगे और विचार उसका चलाएंगे तो दिखता है कि उसमें आपस में भी द्वंद है ना। उस अपार संपदा को कैसे पाएंगे, उसके लिए जो भी मेथड अपनाते हैं उसमें आपस में एक संघर्ष दिखता है। और साथ साथ ये भी दिखता है कि मरने के बाद मोक्ष अगर ये पूरा होता है ना, अगर ये इच्छा पूरी होती है तो जीते जी अपार संपदा डिफीट होता है, और ये जीते जी अपार संपदा अगर ये मेरी इच्छा पूरी होती है तो मरने के बाद मोक्ष है, ये डिफीट होता हुआ दिखता है। तो बहुत सारी इच्छाएं अपने में मान्यता और संवेदना के आधार पर जो चलती हैं वो सेल्फ डिफीटिंग होती है, अर्थात एक पूरी होती है तो दूसरी ये तय है कि वो पूरी नहीं होगी, है ना, और दूसरी पूरी होगी तो पहली, है ना, उसका अभाव दिखता है, वो पूरी होती हुई नहीं दिखती। साथ साथ इन दोनों ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो मेरा प्रयास चलता है, जो विचार चलता है, उनमें आपस में भी द्वंद होता है और एक दूसरे के साथ भी द्वंद होता है। अब अगर इसी में एक तीसरी इच्छा को और ऐड कर दें कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक रहे, परिवार में पति, है ना, पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब मेरे साथ संबंध पूर्वक जिए, तो ये दिखता है कि जब मैं अपार संपदा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा होता हूँ तो जाहिर सी बात है परिवार को समय कम देता हूँ। तो जब ये इच्छा पूरी करने के लिए, है ना, मैं सोचता हूँ तो ये वाली डिफीट होती है। तो ये देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। और अपार संपदा मिल जाने के बाद भी आशा के स्तर पर बहुत सारा कंट्राडिक्शन दिखता है। तो जो बहुत सारा दान आज की डेट में हम लोग, है ना, कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसमें देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि पहले तो हम जीते जी अपार संपदा ऐसी इच्छा बना लेते हैं और उसका बाद खूब संघर्ष पूर्वक उसको अचीव करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो मिल जाता है, है ना, उतनी धन संपदा मिल जाती है तो अपने को लगता है ये पूरा तो नहीं पड़ा, कुछ और है जो अपने को चाहिए, कुछ शेष है। फिर ध्यान देते हैं तो दिखता है कि, है ना, कि ये कुछ नहीं है, मतलब ये जो पैसा है ये कुछ नहीं। तो हम पहले तो भोग करते हैं, फिर भोग से तृप्त नहीं होते तो फिर हम त्याग करने लगते हैं। तो हमको लगता है ये पैसे से सुखी नहीं होंगे, है ना, ये ठीक नहीं। लेकिन अपने को ये समझ में नहीं आता कि सहज स्वीकृति क्या है,
इस पैसे का सदुपयोग क्या है, ये अगर अपने को ठीक ठीक नहीं समझ में आता तो कुछ कुछ करते रहते हैं, है ना। और उसी संदर्भ में एक बात और भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें अपनी मूल इच्छा का ही पता ना हो, आगे हमें अगर हमें ये ध्यान ही ना हो कि निरंतर सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, और हम ये बात देख ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर निरंतरता किसको कह रहे हैं, कंटिन्यूटी क्या है किसको रहे हैं, वास्तविकता क्या है कंटिन्यूटी की, अगर ये बात अपने में हम नहीं देख पाते हैं, तो और मूल इच्छा को नहीं देख पाते हैं, तो फिर हम किसी सुविधा को बढ़ाने में लग जाते हैं या सम्मान जितना मिल रहा है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना, प्रेम जितना पा रहे हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जितना यश मिल रहा है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मूल इच्छा का पता ना होना, है ना, ये एक मुख्य कारण दिखता है। तो जितने क्षण हमें अपनी मूल इच्छा पता चलती है, जितने क्षण हमको अपनी सहज स्वीकृति का, है ना, ध्यान रहता है, उतने क्षण हम अपनी कल्पनाशीलता में इच्छा विचार आशा को संयत कर पाते हैं, है ना, अपनी इच्छा विचार आशा को चला पाते हैं और उस आधार पर अपनी इच्छा को पूरा भी कर पाते हैं। तो यहाँ तक की बात में भैया कोई अगर प्रश्न बन रहा है तो हम लोग ले सकते हैं। जी, तो यहाँ तक की बात में अगर कोई बात रह गई हो, है ना, या कोई बात लगता हो कि इसमें ऐड करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्रीति दीदी पे हैंड रेज हुआ था कुछ समय पहले, तो प्रीति दीदी पे माइक पर अपनी बात रख सकते हैं, या और भी कोई साथी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आपके इधर से माइक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्वागत है। जी प्रीति दीदी, आपके पास माइक है, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। दंपत लाल जी का भी हैंड रेस का भी कुछ समय पहले, उस समय उनसे बात नहीं हो पाई थी, अब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। दंपत जी नमस्ते। ठीक है भाई, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे शायद एक फोन भी है मेरे ख्याल से, देखते हैं अगर तो डिस्कशन लिया जा सकता है, जैसा आप कहें। जी मेरी आवाज तो भैया आ रही है ना क्लियर? जी जी भैया एकदम क्लियर। जी ध्यान दे। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं, है ना, आप अपने में इस बात को देखने का प्रयास करते हैं। तो इस बात को अगर समराइज करें तो बात तत्व के तौर पर इतनी ही है कि हम अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व करें, और उस ऑब्जर्व करने को जब हम, है ना, अच्छे से कर पाते हैं और उसमें ये देख पाते हैं कि उसमें तीन तरह के इनपुट दिखाई देते हैं, तो कल्पनाशीलता में सहस्वीकृति भी बनी हुई है, मान्यता और संवेदना के तौर पर अलग अलग जगहों से इनपुट भी मिल रहा है। तो अगर मेरी कल्पनाशीलता सहस्वीकृति के आधार पर चल पाती है तो मैं अपने में हार्मनी में रहता हूँ, अपने में व्यवस्थित रहता हूँ, अपने में सुखी हो पाता हूँ, और उस सुख का फैलाव नेचुरली एक सहज व्यवस्था के तौर पर आगे फैलता ही है। लेकिन अगर मेरी कल्पनाशीलता सहस्वीकृति के आधार पर नहीं चल रही है, किसी मान्यता या संवेदना, है ना, किसी बाहर के इनपुट को बिना जांचे परखे, है ना, उससे प्रभावित हो जा रहे हैं या उसके दबाव में आ जा रहे हैं, और उससे अगर मेरी इच्छा, मेरे विचार और मेरी आशा चल रही है, तो उसमें आपस में एक द्वंद्व दिखता है, है ना। कई बार एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा, है ना, लगता है कि ये नहीं पूरी हुई, और कई बार एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़ी हो जाती है ना? इतनी बात इसमें लोग कह रहे थे। फिर अगर अपनी कल्पनाशीलता की स्थिति को अगर देखने जाएं, तो ये दिखता है कि अगर मान्यता और संवेदना से ये कल्पनाशीलता चल रही है तो काफी अनिश्चितता दिखती है ना, तो काफी भ्रम दिखता है,
और वो काफी अव्यवस्था अपने में दिखती है। तो कुछ कल्पनाशीलता इस तरह से चलती हुई दिखाई देती है ना? तो जैसे एक एग्जांपल लें, अगर मैं अपना ही एग्जांपल अगर लूँ, एक तो एक बार मुझे मतलब जहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो होली के टाइम पे मुझे घर जाना था। तो कल्पनाशीलता में ये चला कि मुझे घर जाना है, इच्छा ये है कि मुझे घर जाना है ना? घर कैसे जाऊंगा? तो मैं उससे संबंधित विचार चलाता हूँ। तो विचार में ये है कि भाई ट्रेन से जाऊं कि फ्लाइट से जाऊं, या है ना, या बस से चला जाऊं, या अपने किसी मित्र के साथ पूलिंग करके चला जाऊं, कोरोना का समय है ना, ऐसा सोच के। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने अपने विचार में एक्सप्लोर किए और ये उम्मीद थी कि इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करूंगा, है ना। तो जब मैं सेलेक्ट करने के लिए सोच ही रहा था कि ऐसा करता हूं कि ट्रेन से जाना तो ठीक नहीं है, दोस्त के साथ पूलिंग करके चला जाता हूं। तो जैसे ही मैंने ये बात अपने में देखी कि पूलिंग करके चला जाता हूं, है ना, शरीर का स्वास्थ्य एक उसमें विषय है, तो ये दिखा कि ये जो दोस्त है ये पिछली बार मुझे लेके गए थे तो किसी और से कह रहे थे कि देखो ले तो जाते हैं, पैसा तो ले नहीं सकते इनसे, लेकिन ये है कि अब टांग के लेके जाना पड़ता है इनको। वो विचार अपने में आ गया, है ना। तो उस विचार को जब देखा तो दिखता है कि कल्पनाशीलता में अगर हमें सहस्वीकृति स्पष्ट नहीं होती, है ना, अगले व्यक्ति के साथ संबंध को हम देख नहीं पाते, तो अगले व्यक्ति का जो भी व्यवहार मेरे सामने उपस्थित होता है वो व्यवहार मेरी कल्पनाशीलता को तय करने लगता है। तो उस व्यक्ति द्वारा 6 महीने पहले किया गया व्यवहार वो मेरी कल्पनाशीलता को अगर तय कर रहा है, उसके कंटेंट को तय कर रहा है, तो मैं स्वतंत्र हूं या परतंत्र हूं? तो वहां से ये बात पकड़ में आई कि ये तो परतंत्रता वाली बात है। इसमें सह स्वीकृति क्या है? तो सह स्वीकृति ये है कि मैं भी संबंध पूर्वक जीना चाहता हूं, अगला व्यक्ति भी संबंध पूर्वक जीना चाहता है। मुझे जितना जितना संबंध की स्पष्टता होगी, है ना, उतना उतना मैं अगले व्यक्ति के साथ जी पाऊंगा, और यही बात अगले व्यक्ति पर भी लागू होती है। तो तब जाके वो थोड़ा सा अपने में ये रिलैक्स होने की सिचुएशन दिखाई देती है। बट ये तो मैं बाद की स्थिति बता रहा हूँ, इससे पहले 4-6 घंटे खूब द्वंद्व चला, है ना। फिर ये ध्यान आया कि नहीं नहीं अब गाड़ी से तो नहीं जाना है पूलिंग करके, ट्रेन से जाना है। तो ट्रेन में स्लीपर से जाऊं, थर्ड एसी से जाऊं, सेकंड एसी से जाऊं, फर्स्ट एसी से जाऊं, ये चलना शुरू हुआ। अब ये क्या है? ये विचार है। तो फिर ये लगा कि देखिए स्लीपर में तो जा नहीं सकते, उसमें तो भूसे जैसे लोग भरे रहते हैं। अब पुराना कुछ याद आ गया, जो हमारा पुराना टेस्ट है ना, पुराना जो आस्वादन हमारे अंदर बना हुआ है वो दिखाई दिया। तो उसमें अपने को ये पता चला कि भाई ये पिछली बार गए थे तो लोग भूसे जैसे भर गए थे ट्रेन में, नहीं स्लीपर से नहीं जाऊंगा। तो अब अगर इसमें हम सहस्वीकृति को देखने जाएं तो ये दिखाई देता है कि भाई हर आदमी है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाना ही चाहता है, सुरक्षित जाना चाहता है ना? उसमें शरीर को कंफर्टेबली पहुंचाना है ना, ये सहस्वीकृति। तो जितना जितना मैं अपने में व्यवस्थित रह पाता हूं उसी स्लीपर क्लास में भी दूसरे के साथ सहयोग करके मैं पहुंच ही पाता हूं, है ना। लेकिन मैं अपनी सीट पे लेटा हूं और बगल की सीट पे कुछ झगड़ा हो रहा है तो जो मेरी अपनी कल्पनाशीलता डिस्टर्ब हो जा रही है उसमें ये डिस्टर्बेंस मेरा अपना है या किसी और व्यक्ति का है? तो दिखता है कि झगड़ा तो किसी और ने किया लेकिन कल्पनाशीलता में क्या चलाना है ये निर्णय तो मेरा अपना है। तो इस बात को भी हम लोग अपने में रिफ्लेक्ट करें और चैट बॉक्स में हम लोग रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं कि जब भी बाहर कुछ घट रहा है उस बाहर के घटने से मेरी कल्पनाशीलता में जो असर पड़ रहा है तो मेरे पास कोई च्वाइस है या नहीं है, क्या लगता है? कि परिवार में ना झगड़ा हो रहा है ना,
दो बच्चे मेरे लड़ रहे हैं आपस में, लड़ रहे हैं वो एक वास्तविकता है ना, लेकिन उस लड़ने को देखकर मेरी कल्पनाशीलता में क्या चलेगा, ये निर्णय मेरा है या किसी और का है? तो अच्छी बात है कि च्वाइस है, बड़ी अच्छी बात है कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये च्वाइस हमारे पास है। अब अगली बात ये आती है कि अगर ये च्वाइस है तो फिर हम क्रोध क्यों करते हैं, उन्हीं बच्चों पर क्यों क्रोध करते हैं, है ना, या हमें क्रोध क्यों आ जाता है? क्या ये क्रोध की भी च्वाइस मेरी है या किसी और की, क्या लगता है? मेरी है। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इस पर अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो जैसे हैंड रेज है उनको देख सकते हैं। तो भैया चंद प्रकाश भैया हैं, भैया आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको माइक प्रोवाइडेड है, आपका अगर कोई प्रश्न है चंद प्रकाश भैया। जी दिलीप भैया का भी प्रश्न है, दिलीप भैया उषा व्यास मैडम का भी प्रश्न है, जी बताएं। नमस्कार जी, जी नमस्कार सर। सर मैं दिलीप गीत बोल रहा था। जी जी क्रोध का जहां तक प्रश्न है सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रोध दूसरों के कार्यों पर जो एक झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन रहता है, जो अपने आप पर कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते हैं, उस वजह से क्रोध परिलक्षित होता है। वस्तु स्थिति में यदि हमारे मस्तिष्क पर हमारा यदि कंट्रोल है तो फिर ये चीजें उद्भूत नहीं होती हैं। तो उसमें भैया ये देखें कि जब हम किसी घटना, है ना, कोई घटना घट रही है हमारे सामने जी, तो उस घटना में जो भी घट रहा है उसके बारे में हमने कुछ मान लिया है जिसकी वजह से कल्पनाशीलता में चल रहा है और हम क्रोध में आ रहे हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल जी। तो जब भी हम मानने के आधार पर अपनी कल्पनाशीलता को चला रहे होते हैं तो घटना तो बाहर हो रही है, क्रोध मेरे में हो रहा है जी, है ना। तो जी बिल्कुल, इस बात को इंगित करने का प्रयास पिछले कुछ देर से हो रहा है कि ये जो परतंत्रता है वो बाध्यता है जीने की, है ना, वो बाध्यता इसी बात की है कि हमारी जो कल्पनाशीलता है वो या तो मान्यता के आधार पर चल रही है या किसी संवेदना से दबाव में है। ठीक बात है भैया? हाँ जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। ठीक बात जी सर, थैंक यू सर जी, नमस्ते भैया। उषा दीदी है, उषा दीदी जी। जी सर नमस्ते सर, नमस्ते। उषा व्यास दमोह से। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कल्पना जब चलती है बाहर कुछ हो रहा है उसका असर पड़ता है भी, तो हम उस अंतर्द्वंद को मतलब ना चाहते हुए हमारी कल्पना उस तरफ चली जाती है, बाहर कुछ होता है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, तो इस अंत और हम जानते भी हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए या हमारी कल्पना क्या होनी चाहिए, परंतु नहीं उसको नहीं कंट्रोल होता है, वो स्वाभाविक हो जाती है, उसी तरफ हमारा ध्यान जाता है, वो हम सोचने लगते हैं, तो इस अंतर्द्वंद को कैसे रोका जाए सर? जी तो इसमें दीदी ये बात देखने की है कि हम कितने क्षण अपनी कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर रहते हैं, ऑब्जर्वेंट रहते हैं। अगर हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति ऑब्जर्वेंट हैं, है ना, उसको देख पा रहे हैं अच्छे से कि ये मेरे में चल रहा है, ये मान्यता की वजह से है, ये संवेदना की वजह से है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ सहस्वीकृति भी मेरे में बनी हुई है, उस बात को जब मैं अपने में जांचता हूँ, देख पाता हूँ कि सहस्वीकृति ये है, तो इमीडिएटली उस परिस्थिति में मैं अपनी स्थिति को स्थिर कर पाता हूँ। तो जैसे बाहर कुछ घट रहा है ना, मेरे इर्द गिर्द मेरी परिधि में जो कुछ घट रहा है वो परिस्थिति, उस परिस्थिति में जो कुछ भी घट रहा है वो अगर मेरी स्थिति को प्रभावित कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी योग्यता पर एक सवाल है, उसी योग्यता को बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न है ना कि योग्यता बढ़ाई कैसे जाए, कि उस परिस्थिति में मेरी स्थिति कैसे स्थिर रहे, तो उसके लिए जो प्राइमरी और फर्स्ट स्टेप है वो तो ये है कि हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति ऑब्जर्वेंट रहें,
जितने क्षण हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति ऑब्जर्वेंट रहेंगे और उसमें ये देख पाएंगे कि सहस्वीकृति क्या है, तो है ना, सहस्वीकृति क्या है, उसमें सहस्वीकृति को लोकेट जब कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस परिस्थिति में अपनी स्थिति को स्थिर रखते हुए समाधान को देख पाते हैं, सोच पाते हैं, अन्यथा उस परिस्थिति में हम समस्या को बढ़ा रहे होते हैं, है ना। तो जो प्राइमरी स्टेप और सबसे सिंपल स्टेप है वो ये है कि हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति ऑब्जर्वेंट बने रहें। तो प्राथमिक स्टेप में और इस वर्कशॉप का जो अभी तक कंटेंट है उसको ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्टेप तो यही है कि ऑब्जर्वेंट बने रहें और ये देखते रहें कि उसमें मान्यता है ना का कितना पुट है, संवेदना का कितना पुट है और सहस्वीकृति कितनी देर तक हम देख पा रहे हैं, है ना। ये नहीं कर पा रहे हैं, है ना, सहस्वीकृति को नहीं देख पा रहे हैं तो मान्यता और संवेदना के दबाव और प्रभाव में कल्पनाशीलता में ये चल ही रहा है, जिसकी वजह से हम सभी की स्थिति ये हो गई है, हेड डाउन करके जो बैठे हुए हैं, है ना। तो हेड डाउन करके क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर से कुछ आ रहा है जिसको बिना वेरीफाई किए, है ना, हम लोग मान ले रहे हैं। तो जब हम वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो कई बार को हमें ये लगता है कि है ना हमारे है ना इसको कंट्रोल करना है, तो कल्पनाशीलता को कंट्रोल नहीं करना, कल्पनाशीलता चल रही है उसमें सहस्वीकृति को देखकर उसको व्यवस्थित करना है। क्योंकि कंट्रोल करने जाते हैं तो वो बात कहीं ना कहीं एक ना एक चीज दूसरी चीज से टकराती हुई दिखती है, सीधे सीधे हमें कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करना है। अव्यवस्थित है, अनिश्चित है, इसलिए ये स्थिति है ना जो ये अपनी पिक्चर में दिख रही है। अगर हम सर एक सर सॉरी जी, जी एक और प्रश्न था, तत्क्षण जो आवेश आते हैं ऐसी स्थिति में उसको कैसे कंट्रोल करेंगे सर जी? बाहर यदि झगड़ा चल रहा है वो अब ठीक तो नहीं है, नहीं होना चाहिए ऐसी चीजें, पर ये दूसरे की परिस्थिति है और ऐसी परिस्थितियों को देखकर एकदम से फिर आवेश जो पैदा होते हैं मन में जी सर, उसके लिए भी कृपया मार्गदर्शन करें। दो बातें इसमें मैं कहना चाहूंगा सर, चूंकि ये बाहर जो भी घट रहा है उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व, तो कल जब परिवार की चर्चा करेंगे और उससे आगे समाज की चर्चा करेंगे तो वहाँ ये क्लैरिटी बनेगी कि आखिर जो बाहर घट रहा है उसमें हमें उसको देखते हुए हमें अपने में क्या देखना है, है ना। तो परिवार में झगड़ा हो रहा है तो परिवार में जो संबंध सभी को सहस्वीकार है, अगर सभी संबंध को देख पाते यही उनको सहस्वीकार है तो झगड़ा नहीं हो पाता। लेकिन उसमें अपने लिए जो प्राइमरी बात है कि मैं आवेश में कैसे ना हूं, वो तो इस बात को लेकर है कि अगर मैं अपनी कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर रहता हूँ तो ये दिखता है कि आवेश मेरे में आ रहा है, अभी ऐसे लगता है कि आवेश उस घटना की वजह से, जबकि ये आवेश मेरे अंदर की घटना है, मेरी इच्छा में है ना, मेरे भाव के स्तर पर कुछ डिस्टर्ब हुआ है, ये डिस्टर्बेंस जो है वो मेरे में आवेश के तौर पर दिखता है। तो हम थोड़े क्षण के लिए भूल जाते हैं कि हमारी सहस्वीकृति तो संबंध पूर्वक जीने की है, लेकिन इस संबंध को बनाए रखने के लिए ये आवेश आवश्यक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जिस क्षण ये मान्यता हमारी आगे आ जाती है, सहस्वीकृति कहीं पीछे छूट जाती है और हमारे अंदर वो आवेश और उसकी मतलब वो आवेश बाहर निकल के आता है। तो इसका उपाय तो यही है कि हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति ऑब्जर्वेंट बने रहें, ये एक प्राइमरी काम है। बाकी यह है कि परिवार में समाज में, क्योंकि वो परिस्थिति से रिलेटेड है, तो जब हम इसकी व्यवस्था को समझेंगे तो और क्लैरिटी के साथ ये बात आएगी और वहां ये प्रश्न मेरे ख्याल से आप रखेंगे तो और अच्छे से एड्रेस हो पाएगा। अभी के लिए हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर रहें, उस अवेयर रहने के साथ साथ ये देखें क्या मान्यता चल रही है, कि संबंध विरोध के साथ ही चलेगा, क्या ये मान्यता चल रही है कि पैसे बराबर सम्मान है, क्या ये मान्यता चल रही है कि पद बराबर सम्मान है, क्या ये मान्यता चल रही है कि ये मेरे से बड़े हैं इसलिए सम्मान देना जरूरी है, है ना। ये सारी बातें मेरी कल्पनाशीलता में है ना चल रही हैं, तो उसको हम देखें। या किसी तरह की संवेदना का दबाव तो मैं नहीं ले रहा हूं अपनी कल्पनाशीलता में,
तो जैसे ये पेंडेमिक में हम लोग 1.5 साल घर में रहे, तो अब लगता है कि नहीं अब मनाली जाना जरूरी है। अब ये क्या है कि अपने में कुछ कल्पनाशीलता में चला कि बहुत दिनों से है ना कहीं घूम के नहीं आए, उसकी वजह से सुखी नहीं हो पा रहे, परेशान हो गए हैं घर में बैठे बैठे। अगर हमने इसको सुख मान लिया, संवेदना को सुख मान लिया, तो फिर बहुत सारा प्रोग्राम हम है ना बाहर बनाते रहते हैं, जबकि सुख तो अपने में व्यवस्थित होने को कह रहे हैं, व्यवस्था में जीने को कह रहे हैं, है ना। तो इस बात को हम लोग अपने में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो आप इस प्रश्न को अगर उत्तरित हो गया हो फिलहाल के लिए, परिवार में एक बार इसको आप दोबारा उठा सकते हैं, जब हम विश्वास सम्मान और प्रेम की बात करेंगे तो वहां इसको हम दोबारा उठा सकते हैं। ठीक बात, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि स्वयं में सुख तब होता है जब हमारी कल्पनाशीलता में कोई अंतर्द्वंद नहीं होता, है ना, हमारी कल्पनाशीलता सहस्वीकृति के आधार पर चलती है। ठीक बात है, तो यहाँ एक पोल भी ले सकते हैं भैया। तो ज्यादातर कल्पना कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, हमारी कल्पना ज्यादातर व्यवस्थित रहती है या अव्यवस्थित रहती है। अच्छी बात है, हमने से ज्यादातर लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि अव्यवस्थित रहती है। अच्छी बात है, और अगर जिन लोगों की कल्पनाशीलता व्यवस्थित रह पा रही है वो भी अच्छी बात है ना। मुद्दा यहाँ ये है कि हम अपनी कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर हैं या नहीं। अवेयर हैं तो ये देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं कि चल क्या रहा है, उसमें संवेदना चल रहा है, मान्यता चल रहा है, या सह स्वीकृति के आधार पर वो कल्पनाशीलता चल रही है। ठीक बात, तो अच्छी बात है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात को देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की स्थिति को अगर देखें हमारी कल्पनाशीलता की, तो ये दिखता है कि एक बड़ा हिस्सा कल्पनाशीलता का किसी मान्यता या संवेदना से ड्राइव हो रहा है, बहुत थोड़ा हिस्सा है ना वो सह स्वीकृति के आधार पर चल रहा है। तो अगर मेरा है ना मेरी कल्पनाशीलता का बड़ा हिस्सा, 3/4 हिस्सा करीब करीब या 80% हिस्सा मान्यता और संवेदना से चल रहा है, तो मेरे जीवन में जो निरंतर सुखी होने का प्रतिशत है वो क्या होगा। तो दिखता है कि एटलीस्ट 80% समय तो मैं निरंतर सुखी नहीं महसूस कर सकता। जितने क्षण मैं अपने में सह स्वीकृति को देख पाता हूँ, जितने क्षण उस सह स्वीकृति के आधार पर जी पाता हूँ, उतने ही क्षण मेरा व्यवहार संयत हो पाता है, निश्चित हो पाता है, उतने ही क्षण मैं सुखी हो पाता हूँ। तो आज की स्थिति को देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और हमारी जो योग्यता है वो तो यही है कि जितना हम सह स्वीकृति के आधार पर जी पा रहे हैं वही हमारी योग्यता है। तो मान्यता और संवेदना के आधार पर जी रहे हैं तो उसमें एक तरह की परतंत्रता दिखती है ना। चाहते क्या है हम सभी ना? तो उसको भी देखें। और आज की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है और इसमें एक रिफ्लेक्शन भी भैया ले लेते हैं। चैट बॉक्स में भी हम लोग यहाँ एक प्रश्न भी ले सकते हैं भैया। तो मैं अपनी कल्पना के स्रोत देख सकता हूं, मेरी कल्पना का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या है। तो मेरी कल्पना का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या है आज की डेट में। जी भैया, तो अच्छी बात है, दयानंद जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दामोदर जैन जी हैं, आप दोनों के पास माइक है, अपना माइक कन्म्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं आप। जी नमस्ते जी, डॉक्टर दामोदर जी नमस्ते, स्वागत है। सर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जी मेरी जी, आवाज आ रही है? नमस्ते सर, जी जी नमस्ते नमस्ते जी, मेरी जो कल्पनाओं के स्रोत हैं उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। मेरी अपनी संवेदनाएं शामिल है, मेरे अपने अनुभव शामिल है, मेरे अपने स्वप्न भी शामिल है उसमें।
और इसीलिए वो अव्यवस्थित सी भी हो जाती है। इसी को नियंत्रित करने का मैं चाहता हूँ कि आप कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित कर पाऊँ और एक सही रास्ते पर अपने जीवन को ले जा सकूँ। अच्छी बात है। तो अच्छा है कि हम सभी व्यवस्थित होना चाहते हैं, यही मेरी सहज स्वीकृति है, ये बात हमें दिख पा रही है। व्यवस्थित कैसे होना है? तो व्यवस्थित अपने में सहज स्वीकृति को देख पाना, उसको लोकेट कर पाना और अपनी कल्पनाशीलता को उस सहज स्वीकृति के आधार पर चला पाना। जितना जितना मैं अपनी कल्पनाशीलता को अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर चला पाता हूँ उतना उतना मैं अपने में व्यवस्थित हो पाता हूँ, सुखी हो पाता हूँ और उसकी निरंतरता को भी इंश्योर कर पाता हूँ। तो अगर मैं अपने समझने को अपनी समझ को पूर्ण कर पाता हूँ, अर्थात समझ मेरी पूरी हो पाती है, इसका कहने का अर्थ यह है कि मेरी पूरी कल्पनाशीलता सहज स्वीकृति के आधार पर सज जाती है, सहज स्वीकृति के आधार पर चल पाती है, व्यवस्थित हो पाती है, तो फिर मेरे व्यवहार और कार्य में एक निश्चितता दिखती है। तो हम सभी को होना तो यही है जो आप कह रहे हैं ना, कि हमारी कल्पनाशीलता व्यवस्थित हो जाए, संगीतमय हो जाए, ऐसा हम सभी चाहते हैं। लेकिन आज के डेट में जो स्थिति है वो स्थिति तो यही है कि हमारी कल्पनाशीलता का एक बड़ा हिस्सा वो किसी मान्यता, किसी है ना स्वप्न, आधे अधूरे स्वप्न, आधे अधूरे रियलिटी है ना, या किसी संवेदना से ड्राइव हो रहा है। तो इन सबको समराइज करेंगे तो किसी मान्यता और संवेदना से हमारी कल्पनाशीलता ड्राइव हो रही है। लेकिन चाहते क्या है? चाहते तो येलो है कि पूरा कल्पनाशीलता सज जाए, संवर जाए, व्यवस्थित हो जाए, संगीतमय हो जाए, जिससे मेरा जीना संयत हो सके, नियत है ना, बिल्कुल व्यवस्थित होके मैं निश्चित आचरण के साथ जी सके। तो ये बात ठीक बात है सर, आपका प्रश्न कुछ आंसर हो पाया जी। तो काम बहुत लंबा है ये जी सर, कि अपने में देखना और अपने में देखकर सहज स्वीकृति के आधार पर उस कल्पनाशीलता को चला पाना, उससे अपने व्यवहार और कार्य को निश्चित कर पाना, ये एक निरंतर प्रक्रिया है और निरंतर देखने वाला काम है। बिकॉज हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम भी निरंतर बनाना पड़ेगा। जो हम लोग एफर्ट की बात पहले दिन से करते आ रहे हैं, तो वो एफर्ट हमें बढ़ाना है। करेंगे क्या एफर्ट में? अपनी कल्पनाशीलता के प्रति ऑब्जर्वेंट रहना, अवेयर रहना और अपनी सहज स्वीकृति को देखते रहना, ये एक कार्य दिखता है। तो योग्यता ये है कि जैसा मैं होना चाहता हूँ वैसा ही हो पा रहा हूँ। तो मेरी सहज स्वीकृति जैसी है उस आधार पर मैं अपनी पूरी कल्पनाशीलता को चला पा रहा हूँ, है ना, यही मेरी योग्यता है। तो हम सभी को यहाँ तक पहुँचना है ना, हमारा गंतव्य ये है, गोल ये है। एक बार ऐसा कर पाता हूँ तो मैं अपने में सुखी होता हूँ। ठीक बात है सर, दामोदर सर ठीक। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं भैया, और रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो दिखता है कि 50% लोग कह रहे हैं कि सहज स्वीकृति के आधार पर उनकी कल्पनाशीलता चल रही है, मुख्य स्रोत तो यही। अच्छी बात, एक बात भैया, समय को देखते हुए अगर ब्रीफ में मंजू मैम अपनी बात रखता है, मंजू मैम का माइक अनम्यूट हुआ था बीच में। जी मंजू मैम नमस्ते, स्वागत है। या ठीक है भैया, तो उसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा हम लोग। जी ठीक ठीक। तो यहाँ एक पोल भैया ले लेते हैं। ठीक है, बोल भैया लेंगे क्या? मैं वास्तव में चाहता हूँ, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मेरी पूरी कल्पनाशीलता सही समझ के आधार पर हो, या मेरी कल्पनाशीलता वैसे ही रखूं जैसे कि है, मैं हमेशा उसके साथ सहज हूँ।
जी भैया मंजू मैम का माइक मंजू मैम आपने कोई बात करना चाहे स्वागत है। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते जी सर। सर कल्पना और कल्पना बनती जाती है मतलब वो गुणात्मक होती जाती है बढ़ती जाती है जैसे उसमें विचार भाव आशा द्वेष प्रेम घृणा मतलब ये इंक्लूड ही होती जाती है बढ़ती जाती है या इसकी सीमा रहती है क्योंकि विचार हमेशा आते जाते हैं एक दूसरे तीसरे ऐसे घृणा के प्रेम के भाव के। जी तो इसमें देखेंगे मैम तो ये बात दिखती है कि मूल इच्छा तो एक ही है कि हम सभी निरंतर सुखी होना चाहते हैं समृद्ध होना चाहते हैं। उसके फैलाव के तौर पर सब डिजायर्स के तौर पर बहुत सारी चीजें हमारे में चलती रहती हैं। तो जो आप कह रही है ना कि वो फैलती रहती है बिल्कुल ठीक बात है उसमें एक फैलाव दिखता है और इच्छा के स्तर पर देखेंगे तो फैलाव उतना नहीं दिखता जितना कि विचार के स्तर पर फैलाव दिखता है। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम बहुत सारा विचार चलाते हैं और एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी के लिए है ना विचार चलाते हैं और उससे संबंधित आशा है ना। अगर हम सहस्वीकृति को देख पाते हैं तो ये दिखता है कि मेरी मूलतः इच्छा तो निरंतर सुख और समृद्धि पूर्वक जीने की है और फिर जब मैं विचार चलाता हूँ तो वो बहुत फैलता नहीं है कल्पनाशीलता में है ना। इनफैक्ट फैलता है तो फिर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही सुखी हूँ ऐसा नहीं है मैं ही समृद्ध हूँ ऐसा नहीं है इस धरती पर रहने वाला हर एक मानव निरंतर सुखी हो सके समृद्ध हो सके उसको फिर ऐसे फैला के देखता है ना। तो सहज स्वीकृति को नहीं देख पाता हूँ तो फिर हम लोग कुछ इच्छाओं के साथ कुछ को जोड़ के फिर उससे संबंधित विचार चलाते रहते हैं ना। तो बात सिर्फ अपनी कल्पनाशीलता को सीधे सीधे देखने की है। सीधे सीधे हम उसको देख पाते हैं तो फिर हम अपने लिए उसमें सहज स्वीकृति को लोकेट करना और उस आधार पर अपनी सहज कल्पनाशीलता को चलाना उसको भी तय कर पाते हैं। ठीक बात है। तो हम में से 80% लोग है ना दीदी ये बात देख पा रहे हैं अच्छी बात है अच्छी बात है कि वो सही समझ के आधार पर अपनी पूरी कल्पना को चलाना चाहते हैं अच्छी बात है। तो सुख को अगर देखें तो फिर ये दिखता है कि अपने में व्यवस्थित होकर जीने को सुख कह रहा है। ठीक है। एक गृहकार्य भी हम लोग अपने लिए तय कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले सेशन में कहा गया कि हम अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं है ना। उस लिस्ट में एक तरफ इच्छा लिखें और उस इच्छा का उद्देश्य लिखें और साथ साथ ये भी देखें कि इस इच्छा का जो उद्देश्य है उसका सोर्स क्या है ना। इच्छा का सोर्स क्या है मान्यता है संवेदना है या सहज स्वीकृति। तो जैसे पैसा चाहिए पैसा कमा लूं ऐसी इच्छा है तो अगर उसका उद्देश्य सुविधा दिखता है ना कि इस पैसे से मैं सुविधा कमाऊंगा तब तो ये सहज स्वीकृति से आने वाली इच्छा है। अगर सामाजिक प्रतिष्ठा चाहते हैं तो ये एक मान्यता है कि पैसा बराबर सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर हम मौज मस्ती चाहते हैं तो संवेदना का इनपुट। इस तरीके से नाम और प्रसिद्धि को देखें तो दूसरे से ध्यान पाना अगर ये उद्देश्य दिखता है तो वो एक मान्यता है। अच्छे भोजन को देखें तो शरीर का स्वास्थ्य अगर उद्देश्य है अच्छा भोजन तब तो वो सहज स्वीकृति है लेकिन अगर स्वाद है तो वो एक संवेदना है। कार को देखें है ना उसके पर्पस को देखें तो लोकेट कर सकते हैं कि अच्छा दिखने के लिए कार चाहिए तो ये एक संवेदना है। समाज में सम्मान पाने के लिए चाहिए तो एक मान्यता है लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंफर्टेबली मैं अपने परिवार के साथ जा सकूं टाइम पर पहुंच सकूं ये सहज स्वीकृति। मन को शांत रखना चाहता हूं उसका उद्देश्य अगर स्वयं के लिए है तो सहज स्वीकृति। ये होमवर्क हम लोग अपने लिए तय कर सकते हैं। जी बताएं भैया कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को हम लोग ले सकते हैं। प्रेमिता दीदी का भी माइक अनम्यूट कर दी। प्रेमिता दीदी आप कुछ बात करना चाहते हैं। ज्योत्सना जी है हमारे साथ और मनीष कुमार सोनी जी। जी ज्योत्सना मालवीय जी नमस्ते दीदी। जी ज्योत्सना जी नमस्ते।
क्या मनीष कुमार सोनी जी है? जी सर नमस्ते, मैं ज्योति सिन्हा। सर जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं सह स्वीकृति की, सह स्वीकृति में सर मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी कल्पना एक मतलब एक त्वरित एक पल में कोई ऐसा भाव उठता है और मैं अपनी कल्पना मतलब अपनी स्वीकृति दे ही देती हूँ, सोचती भी नहीं हूँ। जैसे कि मुझे खटाई बहुत पसंद है तो सामने अगर मुझे इमली दिखी तो मुझे खाना ही है वो, तो सर ये सह स्वीकृति में आएगा क्योंकि अब इमली खाना ही है तो वो तो मुझे उसका स्वाद अच्छा लगता है इसलिए खाना है, तो यहाँ संवेदना आई है और सह स्वीकृति आ रही है कि मेरी स्थिति क्या है। हेलो जी, तो जितना मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ, थोड़ा बीच में आवाज कट रही थी, तो आप ये जानना चाह रहे हैं दीदी कि जब कोई खाने की वस्तु अगर मेरे सामने रखी हुई है, इमली रखी हुई है, तो उसको देख के मेरा खाने का मन करता है और मैं खा लेती हूँ, तो इसमें सह स्वीकृति क्या है, ये बात कहना चाह रही है? मतलब मैं मुझे उसका स्वाद पसंद है तो इसमें ये देखने वाली बात है कि जो भोजन मैं करना चाहता हूँ वो क्यों करना चाहता हूँ, क्या लगता है? तो ऑप्शन में आपको देखता हूँ, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम भोजन करना चाहते हैं या जीभ के टेस्ट के लिए, क्या लगता है? जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, कट कट के आ रही है मेरे तक, तो बेसिकली परीक्षित भैया ये आवाज मेरे तक ही कट कट के आ रही है। नहीं भैया, हाँ, कुछ डिस्टरबेंस तो है, कुछ नेटवर्क का इशू। तो मैं प्रश्न मैम के प्रश्न को मैं समझ गया हूँ, उसको मैं संक्षिप्त में रख देता हूँ। जी, जी, कि भोजन हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं या टेस्ट के लिए कर रहे हैं? तो टेस्ट मुझे अच्छा लगता है तो उसको हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस टेस्ट का दबाव है ना हमारी कल्पनाशीलता पर पड़ रहा है ना, उस टेस्ट को बनाए रखने के लिए है ना लगातार खाना ऐसा बाध्यता दिख रही है, या जब भी वो दिखता है तो लगता है खाई ले इसको, हाँ। है ना, तो यही असमंजस था। जी, तो उससे हम बस एक बात अपने में देखें है ना जी। कि क्या मैं इस वस्तु से निरंतर सुखी हो सकता हूँ? अच्छा, क्या लगता है कि जब मैं खाता हूँ वो टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो क्षणिक सुख है सर वो तो, हाँ, तो हाँ। उसको हम निरंतर है ना उससे निरंतर सुखी नहीं हो सकते, तो हाँ। कल जैसे दिलशाद भैया कह रहे थे जी। तो संवेदना से मिलने वाला जो सुख है वो शुरुआत में तो हमें बहुत टेस्टी लगता है, नेसेसरी लगता है ना? हाँ। लेकिन वो धीरे धीरे हमारे लिए इनटॉलरेबल हो जाता है। तो किसी दिन एक काम करें, आप एक कटोरा भर के इमली रख लें, अच्छा, और ये प्रयोग करें कि जब तक खाऊं है ना निरंतर सुखी बना रहा हूँ मैं, तो इस प्रयोग से क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं निरंतर सुखी हो पा रहा हूँ। हाँ सर, जी सर, प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो भैया, आप एक क्विज ले सकते हैं क्या जी? हेलो भैया, मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? भैया यहाँ पे क्विज ले सकते हैं क्या? हाँ भैया, क्विज ले सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है एक बार फिर से इस सत्र में। अभी जो मानव में व्यवस्था को लेके स्वयं को लेके जो चर्चा है उससे रिलेटेड पांच प्रश्नों का एक क्विज आपके समक्ष है, और इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस समय अपने सारे माइक हम लोग म्यूट रखेंगे ताकि आप लोग सभी प्रश्नों को रिस्पॉन्ड कर सके। बीच बीच में आपको हम रिमेनिंग टाइम के बारे में अवगत कराते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, सभी को नमस्ते। नमस्ते।